हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनो जोन। आज हम लोग बात करने वाले हैं शैडोगन वॉर गेम्स के सीजन 5 के टीम डेथ मैच के न्यू राउंड ऑब्जर्वेटर के गेम प्ले के बारे में, वो भी सीजन 5 के न्यू कैरेक्टर दंदरा के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दंदरा की पावर्स और उसके गेम प्ले का रिव्यू देने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप शैडोगन वॉर गेम्स में किसी भी कैरेक्टर को क्रेडिट से सिल्वर बार्स के थ्रू ही बाय कर सकते हैं, तो क्या इस कैरेक्टर को बाय करना सही रहेगा या नहीं, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और इंटरेस्टिंग अमेजिंग गेम्स के बारे में जानने के लिए। और गाइस, अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल इजी न्यूट्रिशन को भी सब्सक्राइब करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपको सामने दिख रहा है कैरेक्टर हमारा दंदरा, जो कि आप जानते हैं फिफ्थ सीजन में इन्होंने नया कैरेक्टर ऐड किया हुआ है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग नीचे से टीम डेथ मैच। और यार, ये कैरेक्टर मैंने अभी तक बाय नहीं किया। आप जानते हैं जैसे हर वीक हमारा हीरो रोटेशन होता है तो उसके अंदर ये कैरेक्टर मिला हुआ है, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो राउंड आ चुका है हमारे सामने हमारा टीम डेथ मैच ऑब्जर्वेटरी का, और आप चाहें तो नीचे से टिप पढ़ सकते हैं। और देखिए, हमारे सामने आ चुका है गेम का जो ब्रिज वाला सेगमेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी कह सकता हूँ मैं, और बहुत ही फेमस है। मतलब यहाँ पे आप जब बैटल करेंगे तो आपको एक अलग मज़ा आता है। और देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर जो है दंदरा यहाँ पर। अच्छा, कन्फ्यूजन के लिए आप ऐसे कैरेक्टर को दिखा सकते हैं कि मैं ये लेने वाला हूँ, पर जैसे टाइम जो है 3-4 सेकंड पर पहुँचा, आपने फिर चेंज करके अपना ओरिजिनल कैरेक्टर जो आपको लेना था आपने वो ले लिया, तो ये भी एक तरीका कन्फ्यूजन पैदा करने का। देख सकते हैं आप, काफ़ी करेक्टर जो है बल्कि है दंदरा वाला, जो है हाइट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ से ऊपर चलते हैं, उठाते हैं यहाँ से एमो। और देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर ब्रिज वाले जो लोकेशन है हमारी। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो अटैकिंग मूव्स हैं। देखिए, आपने डबल टैप किया, ये जूम करेगा। देखिए, यहाँ से हम जंप करके वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब देखिए, नीचे इनकी टीम के मेंबर्स आ चुके हैं और मेरी टीम भी कॉन्टेस्ट पाया कर रही है। मैंने यूज़ करा अपना पहला स्पेशल अटैक, देखिए, जो कि एक दीवार बना जाता है। लेकिन अगेन, आप जानते हैं क्योंकि हमारा डायसुके निंजा है तो उसकी जो पावर है वो हमारे स्पेशल अटैक्स को जैम कर देता है। पर इस कैरेक्टर का जो स्प्रे है वो बहुत बढ़िया, देखिए आप, ये देखिए इसकी स्पेशल पावर, देखिए आपने इसने उसे उड़ा दिया, तो इसका पावर पंच वाली स्पेशल पावर है यहाँ पर। अगर आप देख सकते हैं, इससे एम करना कितना ईजी हो जाता है इस कैरेक्टर के साथ। हमने अपनी वॉल डाली और एम किया डबल टैप करके और ख़त्म। देखिए देखिए, मास्क कैरेक्टर दिखा, मैंने डबल टैप किया कि उनके डैमेज मुझे लग नहीं पा रहे, ख़त्म किया एक और। देखिए, मैंने अब ऐसे ही वहाँ पर मुझे एक और करेक्टर दिख रहा है, थोड़ी सी पावर चाहिए। देखिए, मैंने अपना स्पेशल पावर पंच यूज़ किया और ख़त्म किया। देखिए, यहाँ पर 5+2 बर्सकर आ चुका है हमारे सामने। और अगेन, मैं देखिए किंग्स लेयर ट्रिपल किल बर्सकर का दोबारा बैच मिल चुका है मुझे। यहाँ पर एक और करेक्टर आ चुका है दंदरा वाला। तो मेरी ज़रा हेल्थ कम है, पहले ज़रा मैं हेल्थ को उठा लेता हूँ यहाँ से। तो इस करेक्टर में क्या कि जब आप फायरिंग करते हैं ना, देखिए आप दोबारा आगे वॉल यूज़ करी मैंने, अब वो अटक गए हैं वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, ये वाला करेक्टर जो था मेरी वॉल से आगे था, तो इसलिए इसका जो अटैक था वो मेरे लग गया। अब दोबारा आ चुके हैं हम लोग। देखिए, अगर आप यहाँ से जाएंगे, अरे वहाँ सामने ही आ गए, अब यार यहाँ तो ये सामने ही आ गए दोनों के दोनों, एकदम सरप्राइज कर दिया। अब देखिए, वो सडनली मेरे सामने आ गए, फिर भी मैंने उनका एक करेक्टर मार दिया है, तो इतना अमेजिंग करेक्टर है, देख सकते हैं आप सामने। अगेन, ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, खेलने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी डिफरेंट लोकेशन है। देखिए, वहाँ पे उनकी टीम के मेंबर्स हैं, मैंने डबल टैप को जूम किया। देखिए, उस साइड से फायरिंग हो रही है। देखिए, यहाँ पे उनके कटरे तंदर आ गया, डबल टैप जूम किया, हेडशॉट ख़त्म। अगर मैंने अपनी वॉल यूज़ करी, अब वो मुझ पर फायरिंग कर रही है, उसके अटैक लग नहीं रहे, लेकिन मेरे लग गए उसको, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और एक और चीज़ देखिए आप, कि सिर्फ वन साइडेड नहीं, इसकी जो वॉल है वो डबल साइडेड आपको प्रोटेक्ट करती है। तो आप खुद देख रहे हैं कि इस करेक्ट, ये देखिए ख़त्म गेम यार, 30-16 डिफरेंस देख रहे हैं। देखिए, हमारा जीत चुके हम लोग यहाँ पर।
2-3, 2-0 स्कोर रहा हमारा। उसके अलावा आप देखिए गेम कितनी ईजी हो जाती है, क्योंकि जब आप फायरिंग कर रहे हैं आपका जो ये करेक्टर है धंधरा वाला, इसकी जो गन है वो ज़्यादा हिलती नहीं है, तो आपका जो फायरिंग का स्प्रे है वो बहुत बढ़िया चलता है, तो दिक्कत नहीं होती, तो एमिंग करने में बहुत आसान है। अगेन इसकी स्पेशल अटैक ऐसी है कि जब किसी की गोली आपको लगेगी नहीं तो आपकी हेल्थ कम हो ही नहीं सकती। उसके अलावा फिर इसका पावर पंच है, मैंने आपको दिखाया, बंदा उड़ता हुआ जाता है, अभी तो यहाँ इसने कम दिखाया, मैंने बाकी राउंड्स भी इससे खेले हुए हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि जब पंच हुआ था तो वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ता हुआ गया था, तो वो देख के बड़ा फनी सा लगता है। वो कटर अच्छा है मेरे पास, जब सिल्वर स्केलेट हो जाएंगे तो जैसे अभी तो मैं जो हमारी रोटेशन वाली होती है उसके थ्रू खेल रहा हूँ, पर मैं इसको वैसे भी बाय करने वाला हूँ, तो आपको इससे भी राउंड्स खेलने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि करेक्टर आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी आपको समझना चाहिए कि कोई भी गेम जब नया करेक्टर लॉन्च करती है तो ये ऑब्वियस ही बात है कि वो पिछले प्रीवियस करेक्टर से बेटर को ही लॉन्च करेगी, अदरवाइज क्या होगा, कोई बंदा उस करेक्टर को क्यों खरीदेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ऑब्वियसली आप इस करेक्टर को बाय करें, आपको मज़ा आएगा, आपको डिफरेंस पता लगेगा कि क्यों ये करेक्टर इन्होंने नया ऐड किया हुआ है और क्या क्या इसका हिसाब है, काफ़ी अमेजिंग करेक्टर है। उसके अलावा इस गेम में एक अच्छी बात यह कि अगर आपके करेक्टर की हाइट लंबी होगी, हाइट ऊंची होगी ना, तो एक आपको जो आई पॉइंट मिलता है वो भी बिल्कुल आप खुद खेलने में ऐसा लगेगा कि हाँ इस करेक्टर की हाइट सच में ऊंची है, तो वो जो चीज़ वो फीलिंग होती है ना जो खेलते हुए, वो भी काफ़ी अमेजिंग लगती है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा ट्रॉफीज कलेक्शन जो है देसी के, देख सकते हैं आप यहाँ पर 5 किल स्ट्रीक हमारे पास, डबल किल है, ट्रिपल किल है, देखिए आप बस अगर है, बहुत सारे हमने इस समय कलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर, काफ़ी बचे भी हैं अभी इसमें से, धीरे धीरे जैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे गेमिंग को और डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स से खेलेंगे, क्योंकि हर करेक्टर के अपने अपने इसमें मेडल्स भी हैं यहाँ पर, जैसे स्लाइस एंड डाइस है वो आपको सिर्फ डाइस के निंजा के साथ ही मिल सकता है, क्योंकि वही करता है स्लाइस एंड डाइस। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ इसके स्टैट्स का, देखिए इसका सेकेंडरी वेपन है, अच्छा इसका सेकेंडरी वेपन भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि इसके प्राइमरी वेपन ही इतना बढ़िया है कि आपको नीड नहीं पड़ती। आप यहाँ पे इसके अलावा इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, देखिए फ्रंट लाइन करेक्टर है, यानी कि आप इसको गेम का जो आपकी टीम खेल रहे हैं 5 दोस्तों के साथ, उसको आप लीडर बना सकते हैं इस करेक्टर को। अगर इसका डैमेज, हेल्थ, स्पीड, रेंज, सपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रेस इसकी ह्यूमन है, जेंडर फीमेल, एज 30 है। अगर इसकी दोनों पावर देख सकते हैं आप, शील्ड वॉल और शैटर पंच। शील्ड वॉल का मैंने आपको इतना अमेजिंग इसमें दिखाया है गेम प्ले के अंदर, कितना बेनिफिशियल यहाँ पर पावर है ये, और शैटर पंच भी काफ़ी अमेजिंग है, जब आप इसका यूज़ करेंगे करेक्टर उड़ता हो जाएगा तो आपको खुद हंसी आ जाएगी। तो अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है, क्योंकि नए करेक्टर के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाएंगे तो फिर करेक्टर का यूज़ कौन करेगा। और वैसे भी इसके अलावा भी इनके काफ़ी काफ़ी करेक्टर्स ये लोग ऐड करते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको टॉप राइट में एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी, थोड़ा इंटरेक्टिव फीचर है, देख सकते हैं यहाँ से आप, ये देखिए शील्ड वॉल इसकी, देखिए शैटर पंच, देखिए उड़ता हुआ बंदा सीधा मुंह पे मुक्का, ये देखिए फ्रंट लाइन करेक्टर हमारा, गन देखिए जैगुआर हमारी, ये देखिए शील्ड वॉल यूज़ करी, अपोजिशन टीम के मेंबर्स के अटैक लग ही नहीं रहे, आपने शैटर पंच लिया, ख़त्म, आगे सोचना नहीं है कुछ, डबल टैप जूम किया, स्प्रे किया, ख़त्म। करेक्टर बहुत अमेजिंग है, तो इससे भी आपको मैं गेम प्ले की वीडियोस दिखाऊंगा फ्यूचर में, क्योंकि मुझे करेक्टर काफ़ी पसंद आया, जैसे अभी तो मैंने आपको यहाँ पे एक सिंगल वीडियो दिखाई है, पर इसके अलावा मैंने और भी राउंड से खेले हैं, तो करेक्टर वाकई में काफ़ी दमदार है। उसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट स्किन दिख रही है करेक्टर्स की, आप चाहे तो यहाँ से 1200 क्रेडिट्स के थ्रू या फिर सिल्वर बार्स के थ्रू यहाँ पे इसमें बाय कर सकते हैं। देखिए फिर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमोट्स में, देखिए वाह वाली एक इमोट है, देखिए 250 क्रेडिट्स के थ्रू। और उसके बाद दिखाऊँ, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आप बैंग बैंग वाली आई है, पर मैं आपसे कहूँ अगर तो ये चीज़ें साइड वाली हैं, पहले आप अपने करेक्टर को जो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप अभी एक चीज़ बताइए, आप जो आपको हीरो रोटेशन देते हैं उसका यूज़ क्या है। हीरो रोटेशन का मतलब ये है कि आप उस करेक्टर से एक बार खेल के देख लें कि आपका हाथ उस पर बैठ रहा है, आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, उसके बाद तो आप बाय करेंगे ना, आप क्योंकि 4800 जो सिल्वर बार से मांगते हैं बाय करने के लिए वो इतनी लिए कलेक्ट नहीं कर पाते, अगर आपका नॉर्मल पास है, बैटल पास है, प्रीमियम पास है तो फिर भी जल्दी मिल जाता है, पर नॉर्मल पास होगा तो आप इतने लिए बाय नहीं कर सकते। ये देखिए हमारा डायसोगन निंजा आ चुका है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए आप फास्ट एंड डेडली इमोट, देखिए बोल एकदम चिल वाइब एंजॉय,
तो इनका हीरो रोटेशन का मतलब ये है कि आप करेक्टर्स डिफरेंट करेक्टर्स एक बार खेल लें, पसंद आए तो आप उनको फिर बाय करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने बाय कर लिया इतनी मेहनत करके फिर आपको करेक्टर पसंद भी नहीं आ रहा, तो फिर इसमें फ़ायदा क्या हुआ। तो ये भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है गेम का। अगेन आप जानते हैं कि गेम की ग्राफिक्स भी काफ़ी अमेजिंग है। अगेन आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, आप बात कर सकते हैं गेम खेलते हुए, तो वो भी काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे अभी तो मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ ही खेल रहा हूँ, पर देखते हैं फ्यूचर में कभी टीम अपनी बनेगी बढ़िया सी कोई, तो आपको फिर मेरी टीम के साथ पूरा खेल देखने को मिलेगा, तो और मज़ा आने वाला है। देखिए काउबो वाली इमोट दिख रही है आपको यहाँ पे बिलो की, एंड टेन हमारे पास आ चुकी है। देखिए इलेक्ट्रो स्विंग देखिए इमोट, अगेन देखिए ये करेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ्लैग वाले राउंड खेल रहे हैं तो उस करेक्टर उस वाले राउंड के अंदर इस करेक्टर से अच्छा करेक्टर ही नहीं है कोई, मतलब फ्लैग वाले राउंड में इससे तकड़ा करेक्टर कोई नहीं है, किंग है उस वाले राउंड के अंदर ही। फिर यहाँ पे आप एवतार देख सकते हैं, देखिए शेडिप फील्ड है हमारे सामने यहाँ पर। फिर आप यहाँ पे फ्रेम चेक कर सकते हैं, फिर अगर आप जानते हैं आप करेक्टर की थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, वरना अगर आपका मन है तो आप इंडिविजुअल ऐसे भी नॉर्मल बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और ये भी काफ़ी अपडेट दिल्ली करते रहते हैं। देखिए स्टॉर्म स्वॉर्ड है हमारे पास यहाँ पर, स्काउचिंग ब्लेज है देखिए 720 के अंदर। फिर स्पेस देखिए रेनबो क्लाउड है हमारे पास यहाँ पर, सेट पैट्रिक स्प्रे है देखिए, ये पूरी अगेन की एक ग्रीन थीम के अंदर आया था। कवर फायर है देखिए हमारे पास, शैमरॉक देखिए आप, हॉर्स शू है यहाँ पर, आप 960 के अंदर खरीद सकते हैं, गोल्डन शैमरॉक है देखिए। फिर अगर हम चलते हैं चांप्स की तरफ देखिए, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फनी सा है, लेकिन यहाँ पे फ्लैग का आ चुका है हमारे पास चाम, 1500 से 1200 खरीद सकते हैं आप, या फिर 125 क्रेडिट्स के थ्रू। देखिए सिंथ फॉक्स की चाम यहाँ पर हमारे पास है, साइबर पंक स्कल है देखिए, देन किस ऑफ डेथ है हमारे सामने। अगेन करेक्टर बहुत ही अमेजिंग है, आप बाय करें, आपको मतलब मैं सजेशन दूंगा करेक्टर से आप बाय करें, इससे खेलें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और देखिए प्रीमियम बैटल पास लेंगे आप तो फिर और ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं आपको, पता चुका हूँ पहले मैं आपको, क्योंकि उसमें सिल्वर पास जल्दी मिलते हैं आपको और लेवल अप भी आपका काफ़ी जल्दी हो जाता है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा गेम प्ले समझा दिया है यहाँ पर गंदरा का, बहुत ही अमेजिंग करेक्टर है, मैं खुद भी बाय करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा कि मैंने बाय कर लिया है। तब तक के लिए आप बाकी करेक्टर से एंजॉय करें, और भाई ये करेक्टर तो अपना है ही डैशिको निंजा वाला, तो ये तो परमानेंट करेक्टर है ही हमारा, क्योंकि अटैक बेस्ड करेक्टर है, मुझे वही पसंद है, क्योंकि मैं छुप छुप के खेल नहीं सकता ऐसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं, और आपका एक्सपीरियंस इस गेम को खेलकर कैसा रहा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन सी गेम की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने अमेजिंग फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जीनो जोन को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इस चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाएं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स।